So welcome to our cardiac thoracic OT. This part of the heart that you see, the way that the heart's formed. फाइनली 6 hours के बाद सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, ये हमने चेंज किया, इसको बोलते हैं हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट, जिसको कॉमन भाषा में बोलते हैं हार्ट का वॉल। ये है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ओटी में, जिसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स इनसाइड द ओटी। ये है व्हाइट बोर्ड ओटी में, इसमें हमें सारे डिटेल्स लिखने होते हैं। हैंड वॉशिंग हमें स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं WHO रूल्स के अकॉर्डिंग। नमस्कार जी, ओटी 7 का टेम्परेचर है 20 कर दीजिएगा, 26 अभी। ठीक है सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी ड्यूटी है ओटी में, मतलब ऑपरेशन थिएटर। सो आज मैं दिखाऊं कैसे हम ओटी में जाते हैं और वहां क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि ओटी सबसे ज्यादा क्रिटिकल और डिफिकल्ट माना जाता है हॉस्पिटल। सो चलो फिर करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। मेरा नाम शाहिद है और मेरी जो ड्यूटी लगी हुई है वो है CTOT, कार्डियक थोरेसिक ओटी। द मेन मोटिव ऑफ दिस व्लॉग इज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द मेडिकल स्टूडेंट, स्पेशली MBBS, नर्सिंग एंड अदर मेडिकल कोर्सेज। चलो फिर करते हैं व्लॉग को स्टार्ट अपने रूम से, लेट्स गो। पहला काम जो मेरा है वो मुझे स्क्रब लेने जाना है। स्क्रब क्या होती है? वो यूनिफॉर्म होती है ओटी की, अलग सेपरेट। तो वहाँ पे जाना है और वहाँ से मुझे कलेक्ट करनी है, और उसके बाद हमें ओटी में जाना है बेसिकली रायल मेथड साइकिल से। हाय हाय, क्यों लेट क्यों हो गए, कितना टाइम आज डांट पड़ेगी। अभी हमें जाना है बेसमेंट में स्पेशल ओटी की यूनिफॉर्म लाने, क्योंकि हमारे जो क्लोथ्स है ये इन्फेक्शन फ्री नहीं होते। अभी हम नीचे जाएंगे और वहाँ से ओटी की स्क्रब लाएंगे। ये ग्राउंड फ्लोर है, मुझे लग रहा है सबसे डर्टी एरिया है, दैट्स व्हाई हमें यहीं पे यूनिफॉर्म्स हैं, इसको वॉश करना, सारा कुछ इसको वॉश करते फिर वापस देते हैं। सो दिस इज द एरिया। भैया एल साइज देना यार, लेट हो गया। हाँ लेट हो गया बहुत। Sweet laugh, big heart, smile that could light up the dark. सब के लिए टोकन मिलता है शाम को ही जब हम एग्जिट करते हैं, बट मेरे पास टोकन था ही नहीं। ऐसे ही बोला कि भैया मेरे पास टोकन घूम गया कि ठीक है कोई नहीं, तो यहाँ से हमें लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं और या तो हम स्टेयर्स भी यूज़ करके जा सकते हैं। इतना फास्ट क्यों चल रहा है, कितना लेट हुआ? ओह, हम 15 मिनट पहले से ही लेट हैं। लेट होने से क्या है, वहाँ पे जो सीनियर स्टाफ है वो सुनाता है, फिर बोलते हैं यहाँ से ओटी स्टार्ट है। दिस इज द डोर ऑफ ओटी, और ये साइड जो है ये अटेंडेंट्स के लिए है। जो भी सर्जरी के लिए अंदर जाता है उनका जो फैमिली मेंबर्स है या अटेंडेंट है वो यहाँ पे वेट करते हैं जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। और दिस एरिया इज फुली स्ट्रक्चर्ड, यहाँ से किसी बंदे को अंदर नहीं छोड़ते, ना ओटी की तरफ ना ICU की तरफ। दिस इज होल ओटी एरिया। यहाँ से हमारा एरिया है जहाँ पे हम चेंज करते हैं। चेंजिंग रूम फर्स्ट स्टॉप हो गया तेरे चेंज, इतने इतना फास्ट जल्दी। अरे सुन मेरी बात, मैम अगर बोली लेट क्यों हुआ क्या बोलेंगे। दिस इज अवर ओटी चेंजिंग रूम। बेसमेंट से हमने अभी सिक्रब लाई और यहाँ पे चेंज करनी होती है, क्योंकि ये रूम बहुत ही क्लीन होता है। फाइनली हम हुए हैं रेडी ओटी में जाने के लिए और वहाँ पे सर्जरीज को कंडक्ट करने के लिए, जैसे CABG, MVR, AVR। सो लेट्स गो इनसाइड द ओटी नाउ। हमें स्क्रब चेंज करना होता है, फिर अपने बैग में रखना होता है, तो बैग में रख के फिर अपना ये बॉक्सेस मिले होते हैं, उसका नाम लिखा हुआ है, ये बैग में रखता हूँ क्योंकि इसमें मेरा सारा सामान है। जब भी हम ओटी में एंटर होते हैं हमें असाइनमेंट रजिस्टर पे अपना साइन करना होता है कि मेरी ड्यूटी किस ओटी में है, लाइक 1, 2, 3 एंड 4।
आज मेरी ड्यूटी जो है वो है ऑपरेशन थिएटर नंबर 5 और इसमें जो सर्जरी होने जा रही है वो है MVR मिट्रियल वाल्व रिप्लेसमेंट जिसका दूसरा नाम है बाइकस्प वाल्व। यह है कार्डिक ओडी का स्टोर जिसमें वो चीज़ें होती है जो सर्जरी के काम आते हैं लाइक ट्रॉली पैक टॉवल पैक गाउन पैक लॉन्ग शीट पैक कार्डिक सेट जिसमें सारे कार्डिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कार्डिक सर्जरीज करते हैं ओ सेट वेस्क्यूलर सेट वेन सेट बेसन सेट वाटर सील पैक। इनकी जो ये कवरिंग ऊपर से ये स्टीराइल होते हैं अंदर से हम इनको नेकेड हाथ से नहीं टच कर सकते पहले स्क्रब होना है उसके बाद ही हम इनको टच कर सकते हैं। ओटी स्टोर में सारा सामान चेक करने के बाद हम फिर आते हैं ऑपरेशन थिएटर में जहां पे सर्जरी कंडक्ट होता है। बिफोर सर्जरी हमें सारा सामान चेक करना होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे सूचर्स है वो अवेलेबल है जैसे प्रोलीन हुआ एथलोन हुआ सिलिक हुआ और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पेसिंग वायर जो हार्ट के काम आता है। पेसिंग वायर की वजह से हम हार्ट को अगर प्रॉब्लम्स आ गई ड्यूरिंग सर्जरी हम इसकी हेल्प से हार्ट को फिर से फंक्शन करने के लिए रेडी करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन थिएटर में। अगर यहाँ पे सामान अवेलेबल नहीं है हमें फिर ओटी स्टोर में जाना होता है बिफोर सर्जरी हमें अवेलेबल रखना होता है क्योंकि दो दो तीन तीन सूचर्स हम एक्स्ट्रा रख सकें यहाँ पे क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अब इस ड्रायर में मैं चेक कर लेता हूँ क्या इस ड्रायर में वो इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस हैं जो ड्यूरिंग सर्जरी हमें काम आते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंजेक्शन इज पेपरेविन स्मूथ मसल्स को स्पाज्म होने में बचाता है इंक्लूडिंग हार्ट अटैक एंड चेस्ट पेन एंड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स। और सेकंड इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जेंटामाइसिन जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए यूज होता है मोस्टली ब्लड इन्फेक्शन एब्डोमिन लंग्स स्किन ब्लड जॉइंट एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इस एरिया को बोलते हैं सर्जिकल हैंड वॉश एरिया। जब भी हम सर्जरी के लिए अंदर जाते हैं हमें यहाँ पे हैंड वॉश करना होता है पहले हमें 4% स्क्रब से अपने हाथ धोने होते हैं वेट करने के बाद और उसके बाद हम बिना टच किए हुए सेंसर को टच करते हैं और वहां से पानी आके अपने हाथों को वेट करते हैं। उसके बाद हम अपने हाथों को आयोडीन 7.5% से धो देते हैं यही होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। यहाँ पे कोई मेडिकल हैंड वॉशिंग नहीं होती हाथों को एल्बो तक धो देते हैं उसी को बोलते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग। जितनी हमें हैंड वॉशिंग इजी लगती है इतनी है नहीं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेरिलिटी का ख्याल रखना होता है। ये नॉब दिख रहा है आपको ये हम प्रेस कर सकते हैं पाँव से और ऊपर से वाटर आता है टैप से क्योंकि टच ना लगे कहीं पे। अगर आपका टच लगा तो आप पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन स्प्रेड होने का ज्यादा चांसेस है। सो ये नॉब हम प्रेस करते हैं पाँव से और ऊपर से वाटर आता है जो कि हमें स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। हैंड वॉशिंग हमें स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं WHO रूल्स के अकॉर्डिंग जो कि 11 स्टेप्स होते हैं। पहले हमें फर्स्ट स्टेप करना है फिर सेकंड फिर थर्ड। अभी हैंड वॉशिंग होगी अब हम ऑपरेशन थिएटर की तरफ चलेंगे और वहां पे दिखाएंगे सारा कुछ क्या क्या प्रोसीजर होता है। ये है पेशेंट की पैकेज। पैकेज में क्या होता है सारा सामान जो सर्जरी ओपन करने से लेकर क्लोजिंग तक सूचर से लेकर हर कोई मटेरियल वाल्व तक जो हमें इम्प्लांट करना है वो सारा सामान इसमें है। सो वेलकम टू आवर कार्डिक थोरेसिक ओटी। ये भी सेंसर से हम खोलते हैं या पाँव से या हाथ लगा के। सो दिस इज अवर ओटी। अब हम डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या चीज है यहाँ पे और क्या क्या फंक्शन है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है क्रैश कार्ट। जैसे कि सब डिपार्टमेंट में क्रैश कार्ट होता है ओटी में भी क्रैश कार्ट होता है। दिस वन इज एनेस्थीसिया मशीन। इसे हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। सो ये है ऑपरेटिंग टेबल जिसपे हम पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। ये फुली ऑटोमेटिक होते हैं लाइटिंग से लेकर AC तक यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक है। सो दिस इज अवर होल कार्डियक थोरेसिक ओटी। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रायर्स इनसाइड द ओटी। फर्स्ट ड्रायर में हमारा साब ब्लेड होता है कार्डिक ओटी में। जब भी स्टर्नम खोलना होता है तो साब ब्लेड की जरूरत पड़ती है। क्लिप एप्लीकेटर जब भी आर्टरीज वेनस कट होती है तो उसको क्लिप करने के लिए क्लिप एप्लीकेटर की जरूरत पड़ती है। पेसिंग केबल सिनीगर सेट वेसल लूप एंड आयोटिक पंच। आयोटिक पंच से हम आयोटा को होल करते हैं फिर उसमें कैथेटर डालते हैं और यहाँ से ब्लेड्स हैं। ब्लेड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ओटी में और सिरेंजेस 2ml 5ml 10ml एंड 20ml जिनकी नीड बहुत ही हाई होती है ओटी में। गॉगल्स हम तब यूज करते हैं जब कोई रोबोटिक सर्जरी होती है। अल्फारेज गामारेज को बचाने के लिए हम गॉगल्स पहनते हैं। अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे इस टेबल को यहाँ पे हमने क्या क्या रखा है। यहाँ पे नॉर्मल सलाइन है जो कि सर्जरी के काम आता है वार्म और कोल्ड और वहाँ पे आयोडीन है। आयोडीन के साथ साथ हमारा स्क्रब है जो कि हमारे कैथेटराइजेशन में काम आता है। सो यहाँ पे सारे टाइप के सूचर्स से 6O 5O 4O 0O अकॉर्डिंग टू द मसल अकॉर्डिंग टू कहाँ पे सूचर करना है।
अगर हम नेचर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे हमने सारे टाइप के ग्लोव रखे हैं, 6, 6.5, 7, 7.5, हर किसी नंबर की ग्लोव। अगर यहाँ पे हम BMW की बात करेंगे, BMW हम ब्लू में रखते हैं, यहाँ पे जो भी रैपर्स होते, ग्लोव रैपर्स हुए, शूचर्स के रैपर्स हुए, या किसी इंस्ट्रूमेंट रैपर्स हुए, वो भी हम इसी में रखते हैं। और रेड में हम गाउन रखते हैं, जो भी डॉक्टर एंड नर्सेज यूज करते हैं। और दिस इज द AC एरिया, यहाँ से AC का हवा आता है और मेंटेन करता है ओडी को। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्सरे LED व्यू बॉक्स। इसमें एक्सरे रख के यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके वहाँ से लाइट आती है, जिसके थ्रू हम रिब केज एंड स्टर्नम को अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सके, जो हमें कटिंग में फिर काम आता है। इस इक्विपमेंट पे हम गॉज पीसेस को काउंट करके डिस्कार्ड करते हैं, जितने भी हमने गॉज पीसेस सर्जरी के लिए दिए हैं, जो हमें ब्लड रुकाने के लिए या ब्लड पहुंचने के लिए होते हैं, इसको इन स्पाइक्स पे रख के फिर हम काउंट करके डिस्कार्ड करते हैं। ये येलो वाला बिन दिख रहा है आपको, इसमें फिर डिस्कार्ड करते हैं इस पे काउंट करके, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, कोई गॉज पीस अंदर ना रहे बॉडी में। ये है व्हाइट बोर्ड OT में, इस पे हमें सारे डिटेल्स लिखने होते हैं, पेशेंट का नाम, हाइट, वेट से लेकर ब्लड ग्रुप तक यहाँ पे लिखना होता है, कौन सी सर्जरी होनी जा रही है और कौन सा सर्जन कंडक्ट कर रहा है, नर्सिंग नेम, सारे इक्विपमेंट्स के नाम जो जो सर्जरी में काम आते हैं। इसको बोलते हैं सक्शनिंग मशीन। जो भी ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग सर्जरी, वो सक होता है सीधे डायरेक्ट इसमें स्टोर होता है। जो कंटेनर्स दो दिख रहे हैं, इसमें ब्लड सारा जमा होता है थ्रू पाइप्स। ये है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड OT में, जिसके बहुत सारे फंक्शंस है, जो आपको ऊपर डिजिटल में दिख रहा है, ब्लू कलर में नॉर्मल टाइम और यहाँ से रेड कलर में कितना देर तक सर्जरी चलती है, जैसे 6 hours 32 minutes तक सर्जरी अभी चल रही है। बाकी नीचे जो बटन्स दिख रहे हैं, ये टेलीफोन है और सारे लाइटिंग के कंट्रोल सिस्टम है। इसको बोलते हैं हार्ट पंप मशीन। जब हार्ट की सर्जरी होते हैं, हार्ट को फ्रीज करके सारा जो सिस्टमैटिक ब्लड सर्कुलेशन है वो इसके जिम्मे होते हैं। जिस हार्ट सर्जरी में ये यूज होता है उसको ऑन पंप सर्जरी बोलते हैं, जिसको नहीं होता उसको ऑफ पंप हार्ट सर्जरी बोलते हैं। फाइनली 6 hours के बाद सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, ये हमने चेंज किया, इसको बोलते हैं हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट, जिसको कॉमन भाषा में बोलते हैं हार्ट का वॉल। इसको हमने इससे चेंज किया है फ्लुमेरा पेरिकार्डियल बायोप्रोथेसिस, ये आर्टिफिशियल वॉल है, वल्वुलर बायोलॉजिका कार्डियल मिट्रियल वॉल। OT वर्क स्टेशन, जो मॉर्निंग में OT स्टाफ से फुल होता है और इवनिंग के टाइम खाली खाली दिखता है। सो अभी जो 12 आवर्स की शिफ्ट थी मेरी, उसमें एक सर्जरी हुई थी जो है मिट्रियल वॉल रिप्लेसमेंट। अभी मैं जा रहा हूँ घर के लिए और नाइट स्टाफ की ड्यूटी है, सो लेट्स गो। जो प्रोसेस आ रही थी वही 8 से लेकर हमें कोऑपरेट करना पड़ता है। OT में सबसे ज़्यादा ऐसा स्टाफ होता है कि जो उनको कंट्रोल कम है, कभी भी कुछ हो सकता है, सो हमें भी अलर्ट एवरी टाइम रहना पड़ता है कि कुछ ड्यूरिंग सर्जरी ज़्यादा होता है। अभी OT में जो इवनिंग शिफ्ट आया है उनको ज़्यादा केसेस नहीं होती है, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में ही ज़्यादा केस ले लेते हैं और इवनिंग को फिर थोड़ा सा छोटे मोटे अगर लेप्रोस्कोपी के केसेस होते हैं तो वो कंडक्ट करने पड़ते हैं। सो या दैट दिस वाज ऑल माय डे बिकॉज इट वाज वेरी हेक्टिक। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। बाकी बाय।